ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। राज्य कार्य समिति की बैठक में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग थलग करने की कोशिश की गई? क्या मुख्यमंत्री के इकबाल को चुनौती, क्या उनके योगी मॉडल को चुनौती देने की कोशिश की गई, या फिर यह जताने की कोशिश हुई कि संगठन ही सर्वोपरि है, सरकार उसके बाद? हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि राजनीतिक प्रस्ताव में राहुल गांधी के नाम के जिक्र ने कैसे विपक्ष को पूरी तरीके से हमलावर बना दिया है। सबको सबने सुना, बड़े नेताओं को सबने सुना, लेकिन केशव मौर्य की पूरी बात नहीं आ पाई। क्यों? और आखिर में सहयोगी दलों का क्या रुख है? क्या अब सहयोगी दल ज्यादा हमलावर हो रहे हैं, उनकी मांगें बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार की बजाय अब सहयोगी दल सीधे संगठन से बात कर रहे हैं? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस कार्य समिति की जिसमें संगठन और सरकार के बीच खिंची तलवारें दिखाई दी। जी हां, संगठन और सरकार में जिस तरीके के मतभेद हैं वो कैसे उभर कर इस कार्य समिति की बैठक में सामने आए, इशारों में ही आए लेकिन सामने आए, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस कार्य समिति में अलग थलग करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने किस तरीके से इसका जवाब दिया, ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर कार्य समिति में हुआ क्या। कार्य समिति बीजेपी के इस चुनावी में मिली हार के बाद बुलाई गई थी, जिसमें तकरीबन 3500 से ज्यादा डेलीगेट्स थे, सभी संगठन के अहम पदों के लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि थे ब्लॉक से लेकर के मेयर तक, विधायक, संगठन के सभी बड़े नेता, मंत्री, सांसद और केंद्र में मंत्री, और इसके अलावा संगठन के शीर्ष नेता और सरकार के सभी शीर्ष नेता, इन लोगों की इस कार्य समिति में आमने सामने की ये तलवारें दिखाई दी। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं में उपजी निराशा, ये बात सबसे प्रोमिनेंट तौर पर सामने आई। हार की वजह के रूप में किसी ने खुलकर कार्यकर्ताओं की इस निराशा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सबने यही बात कही कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है और कार्यकर्ताओं के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। सबके शब्द अलग थे लेकिन भाव एक था। लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया, हम ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरीके से किन किन नेताओं ने क्या कहा। यूं तो शुरुआती भाषण, जो कि इस कार्यक्रम का शुरुआती भाषण था, वो भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया। अपने पूरे भाषण में उन्होंने बीजेपी के इस चुनाव में हुई हार की वजह, कारण सब कुछ गिना दिए, लेकिन आखिर में जो उन्होंने दो लाइनें कही वो बेहद अहम है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उनके लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है, सबसे बढ़कर है। बकायदा उनके लिखित स्पीच में भी ये बातें लिखी गई। देखिए पहले उनके इस बात को जो उन्होंने अपने स्पीच में कहा, उसके बाद हम आगे भी सुने। हमारी प्राथमिकता है और हमने अपने जीवन काल में कार्यकर्ता आधारित संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया और हम अपने कार्यकर्ता के किसी भी सम्मान पर हमने कोई समझौता नहीं किया। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। हम सब मिलकर संकल्प लें कि आगामी 10 विधानसभा सीटों पर बात होने वाले उपचुनाव में 100% विजय श्री प्राप्त करेंगे। बारी अब दूसरे डिप्टी सीएम की थी, जी हाँ, ब्रजेश पाठक। और ब्रजेश पाठक ने भी कार्यकर्ताओं की बात खुलकर रखी और उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता इस पार्टी की रीढ़ हैं और कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने भी सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात कही, लेकिन सबसे ज़्यादा
तालियां और सबसे ज़्यादा शोरगुल, हंगामा, तालियां जिसे मिली वो थे केशव मौर्य। और केशव मौर्य ने जो कहा वो सुनी। केशव मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ से सीधे सीधे अपनी ही सरकार को एक चुनौती दे डाली। पहले आप केशव मौर्य की इस बात को सुनिए, आगे उन्होंने क्या कहा है यह भी बताएंगे। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव मौर्य ने अपने भाषण में जो एक लाइन सबसे मुखर तौर पर, सबसे प्रोमिनेंट तौर पर कही, जिस पर सबसे ज्यादा तालियां बची, वो थी, उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं का दर्द समझते हैं और वो भी कार्यकर्ताओं के साथ हैं, क्योंकि उनका दर्द भी वही है। और उनके इस बयान ने खूब तालियां बटोरी। हालांकि इसका कोई वीडियो सामने नहीं आ पाया, ये हम आपको आगे बताएंगे क्यों, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि वो डिप्टी सीएम से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनका जो सरकारी निवास है सात कालिदास मार्ग, वो सबके लिए हर वक्त खुला है। इसका अर्थ बहुत कुछ लगाया गया कि सात कालिदास मार्ग तो कार्यकर्ताओं के लिए हर वक्त खुला है, तो क्या पाँच कालिदास मार्ग बंद है, नहीं खुला है? इसकी चर्चा कार्यकर्ताओं में हुई, लेकिन इशारों इशारों में ही सही, केशव मौर्य ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर एक निशाना साधा, तालियां भी बजी। तो यह मानकर, यह देखकर चला जा रहा है, शायद ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बहाने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया, उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की गई, क्योंकि सवाल इसी बात पर उठाए गए कि उनके गवर्नेंस या फिर उनके इस योगी मॉडल की वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका खूब जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया हम आपको बताते हैं। बिल्कुल आखिरी में, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण दिया इस कार्य समिति की बैठक में। लेकिन उनके भाषण में ढेरों संदेश छुपे हैं सबके लिए, वो पार्टी के भीतर चाहे उनके विरोधी हों या फिर उनके नाम पर इस कार्य समिति में टारगेट किया जा रहा कोई भी व्यक्ति हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही और वो ये, खास करके कार्यकर्ताओं को लेकर, और वो ये कि किसी को भी बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। हम चुनाव हारे हैं, पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम बैकफुट पर आ जाएं। यानी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आप फ्रंट फुट पर खेलो और जो हुआ उसे छोड़ो, 10 विधानसभा के जो उपचुनाव है उसकी तैयारी करो। लेकिन बैकफुट शब्द का जो अर्थ है वो उनके अपने लिए भी लागू है, यानी कि मुख्यमंत्री पर हमले चाहे जितने हों वो खुद बैकफुट पर नहीं आने वाले। ये उनका संदेश सबके लिए और उनके अपने लिए भी, उनका संदेश पार्टी के लिए उनकी तरफ से। सुनिए बैकफुट वाले बयान पर उनका कहना क्या था। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे, आज जब सरकार में थे तो याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा। याद करिए इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो थी अति आत्मविश्वास। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने इस चुनाव में हार की समीक्षा करते हुए जिस शब्द को कॉइन किया इस मीटिंग में वो था अति आत्मविश्वास। तो क्या अति आत्मविश्वास किसका?
क्या अति आत्मविश्वास संगठन का या फिर अति आत्मविश्वास शीर्ष नेतृत्व का, ये कोई नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता कि आखिर किसके लिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि जिस तरीके से अति आत्मविश्वास में ये चुनाव लड़ा गया और जिस तरीके से ये मान लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि विपक्ष तो पूरी तरीके से हताश बैठ चुका था, उसे मालूम था कि वो चुनाव नहीं जीत रहा, लेकिन हम हारे तो अति आत्मविश्वास में हारे। तो ये मैसेज पार्टी के नेताओं और संगठन के लिए था कि आप अति आत्मविश्वास में रहे और उस वजह से ये स्थिति पहुंची। योगी आदित्यनाथ को भी सुन लीजिए। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं अति आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं की तरफ आए, जी हां, इशारों में, और कार्यकर्ताओं की तरफ मुखातिब उन्होंने जो बात कही वो ऐसी बात थी जो शायद सबको समझ में आई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग के संदेश तो सब भेजते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्या गुड मॉर्निंग के लिए किया गया? उन्होंने कहा कि जिस तरीके का नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ा, जिस झूठे प्रचार तंत्र का सोशल मीडिया पर सहारा विपक्ष ने लिया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, लेकिन सोशल मीडिया पर हम पिछड़ गए, सोशल मीडिया पर हम जवाब नहीं दे सके। ये इशारा संगठन पर भी था, पार्टी पर भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, यह भी सुनिए। वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए, क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है और उस अभियान के साथ जुड़ना, उसको देखना, उसका खंडन करना और फिर पंचतीर्थ के फोटो, दलित महापुरुषों के और चिंतकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते, उन लोगों के साथ संवाद बनाए होते, तो हो सकता है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती। और आखिर में एक बात जो बेहद अहम रही वो ये, उन्होंने कहा कि अगर खरोंच आई तो खरोंच के लिए तैयार रहो, यानी कि एक तरीके की नसीहत, एक तरीके का अल्टीमेटम उन्होंने उन लोगों के लिए भी दिया, यानी जो जीत कर तो आए हैं, वो चाहे ब्लॉक से जीत करके आए हों, पंचायत से जीत के आए हों, नगर पंचायत से जीत के आए हों, मेयर तक पहुंचे हों, विधायक, मंत्री, सांसद और प्रदेश के मंत्री, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी के लिए ये बात लागू है। और वो ये कि खरोंच अगर किसी को आई तो खरोंच औरों को भी आएगी, इसका अर्थ समझने वाले समझ गए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इसका अर्थ लोगों ने समझ लिया, सुनिए आप भी। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है, और अगर यहां पर कहीं भी कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा
और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और आखिर में एक लाइन और, जो उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले बहुत लोग उछल कूद कर रहे थे, और जो ये उछल कूद है, ये उछल कूद किसके लिए? क्या विपक्ष के लिए उछल कूद, या फिर पार्टी के भीतर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव के पहले बहुत उछल कूद की, या फिर पार्टी के सहयोगियों में ऐसे लोग जिन्होंने खूब उछल कूद मचाया? तो मुख्यमंत्री का पूरा भाषण इशारों से भरा हुआ था, सबके लिए इशारे थे और सबके लिए ये बातें थी। अब सवाल हुए तो उसका जवाब भी दिया गया, तो इस तरीके से रहा। लेकिन इस पूरे मीटिंग में अनकहे तौर पर, अदृश्य तौर पर तलवारें खींची रहीं और सब कुछ साफ साफ दिखाई देता रहा। हम आपको बताएंगे कि कैसे सबके स्पीच तो आए लेकिन कुछ लोगों के स्पीच सामने नहीं आए। दरअसल इस कार्य समिति में एक और बात हुई। आम लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, ये कार्य समिति की बैठक में तीन ऐसे सेशन थे जो ओपन सेशन थे, यानी कि उसमें मीडिया के लोग और मीडिया के कैमरे भी अलाउड थे। लेकिन बाकी सेशन में न सिर्फ मीडिया के कैमरे बाहर थे, बल्कि जो इस कार्यक्रम का लिंक था वो भी उनके लिए नहीं था। और इस सेशन में सबसे पहला राजनैतिक प्रस्ताव, राजनैतिक प्रस्ताव में बहुत सारी बातें लिखी गई, कही गई, लेकिन ये सिर्फ पार्टी के लोगों के लिए था। दूसरी तरफ जब दोनों डिप्टी सीएम बोले, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, तब भी मीडिया के कैमरे बाहर थे और जो पार्टी की तरफ से लिंक दिया जा रहा था वो भी बंद रखा गया। यानी कि सिर्फ तीन जगह पर बातें निकल करके आईं, जो मुख्यमंत्री ने कहा, जो जेपी नड्डा ने कहा और जो भूपेंद्र चौधरी ने कहा। लेकिन केशव मौर्य ने जो बातें कहीं, जो ब्रजेश पाठक ने कहीं, वो खुलकर पूरी तरीके से सामने नहीं आया। अलबत्ता पार्टी के सभी नेताओं ने, वहां मौजूद लोगों ने उनकी बातें सुनी। जिस वक्त केशव मौर्य बोल रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा को रिसीव करने गए थे। यानी कि जब जेपी नड्डा, जब केशव मौर्य बोल रहे थे मंच पर, तब ये बात मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे। हालांकि आखिर में जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे, जब जेटी में जेपी नड्डा बोले तो सबको सुनना पड़ा, सब सुने। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के भीतर से बहुत सारी आवाजें अनसुनी रह गई बाहर के लोगों के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने वक्त वक्त पर खूब तालियां बजाई। अब हम समझेंगे कि कैसे बीजेपी के सहयोगी दल अब खुलकर बैटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, बताते हैं। इस मीटिंग के बाद बीजेपी के सहयोगी दल भी मुखर हो रहे हैं, हालांकि चुनाव के बाद से ही वो मुखर हैं। अनुप्रिया पटेल ने सबसे पहले मोर्चा खोला और उसके बाद अब संजय निषाद भी मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अनुप्रिया पटेल की कई बातें हम लोग दिखा चुके हैं, लेकिन आज संजय निषाद ने भी कुछ मांगे रख दी। संजय निषाद ने कह दिया कि दो सीटों पर उनका दावा बनता है, जिस 10 सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा संजय निषाद ने आज दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की। पहले उन्होंने ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और फिर केशव मौर्य से मुलाकात की, और उन्होंने भी अपना ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। यानी कि बीजेपी का संगठन, बीजेपी के बड़े नेता, जो कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं और ख़ास करके ओबीसी नेता, ऐसे लोगों के साथ संजय निषाद की जो मुलाकात हुई उसे चुनाव के नज़रिए से देखा जा रहा है। लेकिन ये मान लीजिए कि सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर जिस ओबीसी के आवाज़ को और मुखरता देने की बात की जा रही है, दरअसल उसके पीछे की वजह ये है। आज जब केशव मौर्य से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है ओबीसी को लेकर,
और अपनी सीट की डिमांड को लेकर सुनिए। हमारे दो हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिया, एक मैं जीता था वो सांसद हो गए, इस बार का क्या? एक जो है एक मैं बहुत कम वोटों से हारा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से 11 सीटें ऐसी ली थी जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी, उसमें से 9 से जीत कर दिखाया हूँ। तो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग मिलते हैं, उनका परंपरा रहा है और पहले से भी सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं और जो जहाँ जिसका रहता है वहाँ वो मिलकर दोनों लोग लड़ते हैं। आप कितनी सीटें चाहते हैं इसमें? हमारे जितने से दो हैं दो हमें चाहते हैं, दो चाहिए तो मतलब वो है ही है, उसमें कोई चाहिए क्या, दे रखा है तो उसमें चाहने का क्या मतलब। और आखिर में हम बात करेंगे उस राजनीतिक प्रस्ताव की जिसे इस कार्य समिति में पास किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में राहुल गांधी का जिक्र हुआ और पूरा एक पैराग्राफ बकायदा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नाम इस राजनीतिक प्रस्ताव में लिखा गया है। और आखिरी पन्ने पर राहुल गांधी ने कैसे हिंदू विरोध किया, राहुल गांधी कैसे हिंदू विरोध के प्रतीक हैं, राहुल गांधी कैसे हिंदू विरोधी हैं, इन बातों का जिक्र है। इसी राजनीतिक प्रस्ताव में वो अहम बातें भी लिखी गई हैं जो पार्टी और संगठन ने हारने की वजह बताई है और उनके मुताबिक संविधान को लेकर के जो नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, दूसरा बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, ये दो बातें इस चुनावी हार के मूल वजह के तौर पर लिखी गई हैं। लेकिन एक बात कांग्रेस के एक मुद्दे का भी जिक्र किया गया है कि कांग्रेस ने जो 8,500 रुपये की गारंटी दी वो भी बीजेपी के हार की वजह है। और बकायदा राजनीतिक प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि 8,500 जिसे खटाखट 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 का एक पूरा चुनावी जुमला तैयार हुआ था वो भी एक वजह बकायदा इस राजनीतिक प्रस्ताव में लिखा गया। तो कुल मिलाकर राजनीतिक प्रस्ताव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के मुद्दे, इनका भी जिक्र मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये बैठक तो बीजेपी के आत्ममंथन की थी लेकिन यहाँ भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ही चर्चा है। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।